नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ गौरव कुमार। स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी को राजनीतिक सफर में कब कब उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने 2004 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस सत्ता में आई और केंद्र में यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया। 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी महासचिव की भी जिम्मेदारी मिली। 2009 में राहुल गांधी ने अमेठी से ही दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस बार वो 3,70,000 वोटों के भारी अंतर से जीतकर 15वीं लोकसभा के सदस्य बने। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से 21 लोकसभा सीटें जीती हैं। इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। आम चुनाव में जीत के बाद यूपीए ने 2009 में दोबारा केंद्र में सरकार बनाई। राहुल गांधी को मानव संसाधन विकास के स्थायी समिति में सदस्य नियुक्त किया गया। राहुल गांधी को 2011 में भट्टा परसौल के आंदोलन ने एक अलग पहचान दिलाई। राजमार्ग परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से अधिक मुआवजे की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने मांग को अपना समर्थन दिया और खुद भी वहां पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया। साल 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके 1 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए। इस बार राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा। हालांकि राहुल गांधी चुनाव जीतने में सफल रहे और लगातार तीसरी बार अमेठी से सांसद बने, लेकिन इस बार यूपीए ने अपनी सत्ता गंवा दी। कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके 1 साल बाद 2019 में आम चुनाव हुए, जो कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ज्यादा लचर रहा और पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। के चुनाव में राहुल गांधी का मुकाबला अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से रहा, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने चौंकाते हुए राहुल गांधी को उनके गढ़ में ही पटखनी दे दी। हालांकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से चुनाव भी लड़ा था, यहां से वो जीतने में सफल रहे। वर्तमान में सजा के बाद उनकी वायनाड से संसद सदस्यता चली गई। स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।